तो दोस्तों अभी पंकज भाई दिखाने वाले हैं कि वेल्डिंग में अलग अलग कौन कौन सा पोजीशन होता है, और जैसे कि वेल्डिंग में 1G, 2G, 3G, 4G, 5G और 6G आपने सुना होगा। तो इसमें प्लेट का अलग अलग पोजीशन आता है और पाइप का भी, तो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है। और जैसे ऑयल एंड गैस में अगर आप काम करते हैं तो ये सबको पता होना चाहिए, चाहे आप फोरमैन हैं, चाहे सुपरवाइज़र हैं, या आप एक वेल्डर हैं, तो आपको तो पता ही होना चाहिए। तो बहुत सारे वेल्डर लोग को जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये कौन सा पोजीशन है, पाइप में कितना पोजीशन होता है और प्लेट में कौन कौन सा पोजीशन होता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में ये सारी डाउट क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जैसे ये प्लेट रखा हुआ है, पहले प्लेट के बारे में बात करेंगे, फिर पाइप का पोजीशन आपको बताएंगे। तो पहले जी यानी 1G, 2G, 3G, 4G, और 1G, 2G, 3G, 4G, उसके बाद आता है 1F, 2F, 3F, 4F। तो ये जी क्यों लगाते हैं, यानी 1G आपने सुना होगा, 6G वेल्डर सुना होगा, तो ये जी क्यों लगाते हैं? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी बनाया गया है पाइप में, तो इसी को ग्रूव बोला जाता है। इसीलिए 1G, 2G, 3G जो हम लोग बोलते हैं, जी क्यों बोलते हैं, ये जो ग्रूव बनाया गया है, भी बनाया गया है, इसी के लिए हम लोग डिनोट करते हैं भी से, सॉरी जी से। जी मतलब ग्रूव, 1G, 2G। और वैसे ही सेम ये जो प्लेट आपको दिख रहा है, इसमें भी नहीं मारा गया है, लेकिन यहाँ भी ग्राइंडिंग करके ऐसे भी बनाया जाता है, जैसे पाइप में ऐसे ग्रूव बनाया गया है, तो इसको भी बोला जाता है, जो भी बनाया जाता है। और प्लेट को, एक प्लेट को दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे, ऐसे भी रखेंगे तो भी ये फिलेट बोला जाएगा। या तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जैसे ये प्लेट रखा हुआ है, तो इसको जो वेल्डिंग करते हैं तो हम लोग यहाँ पे भी बनाते हैं, यानी यहाँ पे ग्राइंडिंग करके भी बनाते हैं और इधर भी वेल्डिंग में भी बनाते हैं, यानी ग्रूव बनाते हैं। तो ग्रूव को डोनेट किया जाता है जी से, तो इसीलिए इसको जी बोला जाता है, यानी 1G, 2G। अब अलग अलग इसको पोजीशन में रखेंगे तो वही उसका पोजीशन हो जाता है, लेकिन जी इस डोनेट करते हैं कि इसमें ग्रूव होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे पाइप है तो इसमें भी ग्रूव बनाया गया होगा, यानी भी बनाया गया होगा, और भी बना करके फिर इसको वेल्डिंग किया जाता है। तो इसको अब आप अलग अलग पोजीशन में रखेंगे तो उसी को 1G, 2G, 3G, 4G जो भी पोजीशन में रहेगा उसके हिसाब से हम लोग उसको बात करते हैं। अब जो F होता है, F क्या होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे अगर आप प्लेट को, प्लेट में जैसे ग्रूव वेल्डिंग भी हो गया और फिलेट वेल्डिंग भी हो गया, तो ऐसे तो ग्रूव आप समझ गए कि ऐसे रख के जो भी बना करके होता है वो ग्रूव हो गया, और प्लेट को परपेंडिकुलर रखेंगे, यानी एक के ऊपर, जैसे ये लैप हो गया, प्लेट को जैसे लैप ज्वाइंट अप करके यहाँ पे अगर आप वेल्डिंग मारेंगे तो इसको फिलेट वेल्ड बोलेंगे, या आप परपेंडिकुलर इसके ऊपर ऐसे भी रखेंगे, और इस पे जैसे ये लैप हो गया, प्लेट को आपने लैप ज्वाइंट किया, अब हाँ यहाँ से ऐसे वेल्डिंग होगा, इसको फिलेट वेल्ड बोलते हैं। और अगर आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी खड़ा करेंगे, प्लेट के ऊपर प्लेट, और ऐसे वेल्डिंग होते रहेगा, तो इसको बोलते हैं फिलेट वेल्ड, और जो ज्वाइंट हो जाता है उसको बोला जाता है फिलेट ज्वाइंट। तो चलिए अब पोजीशन का बात करते हैं। जो प्लेट में अलग अलग पोजीशन होता है वो चार पोजीशन होता है, 1G ग्रूव वाला पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिलेट वाला बाद में बताऊंगा। तो 1G, 2G, 3G और 4G प्लेट में होता है, और जो पाइप में होता है वो होता है 1G, 2G और 5G और 6G। तो चार इसमें भी होता है और चार पाइप में भी होता है। तो पहले प्लेट का आप समझ लीजिए, 1G क्या होता है। तो पंकज भाई आप बताइए, 1G में क्या होता है? 1G में देखिए, ये 1G का, ये इसको 1G बोला जाता है। हाँ, ऐसे जैसे रखा हुआ है, यानी प्लेट ऐसे रखा हुआ है, और वेल्डिंग कैसे होगा, रॉड उठाइए, वेल्डिंग ऐसे, हाँ यहाँ से आप ऊपर से नीचे लेके आइए या नीचे से ऊपर लेके जाइए, यानी फ्लैट पोजीशन में आपका प्लेट रखा रहेगा और ये वेल्डिंग ऐसे होते रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसा हो गया तो हाँ, फ्लैट हो गया, फ्लैट पोजीशन में, यानी वेल्डर ऊपर से वेल्डिंग करेगा और बिल्कुल, यानी जमीन के सतह से, यानी जो सरफेस है उसके पैरेलल बिल्कुल भी रखा रहेगा प्लेट। तो ये 1G हो गया। अब जो 2G है वो बताइए कि 2G क्या होता है? 2G अपना अब यही इस तरह ऐसे, हाँ, यानी कि अब जो प्लेट का, जो ये वेल्डिंग का जो एक्सिस है, ये जैसे वेल्डिंग आप करेंगे,
ऐसे, यानी राइट से आप लेफ्ट जाइए या लेफ्ट से आप राइट आइए। तो ये 2G पोजीशन है, यानी ये इसको बोला जाता है ओरिजेंटल हॉरिजॉन्टल, हाँ इसको हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग बोला जाता है। ये ऐसे खड़ा है लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल ऐसे रॉड लेके जाना है, आम बोलचाल में ओरिजेंटल बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल इसको बोला जाता है इंग्लिश में भी। तो अब आते हैं, ये रह गया 2G, अब 3G कौन सा होता है वो दिखाइए। 3G अपना 3G ये हो गया। अब ये जो प्लेट ऐसे खड़ा हो गया और जो मेन जो यहाँ पे देखा जाता है वो वेल्ड का एक्सिस देखा जाता है, ये वेल्डिंग का जो लाइन है ना, ये अभी 3G हो गया। तो 3G में जैसे वर्टिकल इसको बोला जाता है वर्टिकल, तो नीचे से आप चाहे ऊपर जाइए तो ये हो गया अप अप ना, वो नीचे ही से जल जला, हाँ नीचे से। ये जो पोजीशन है इसको ही 3G बोला जाता है, जैसे आप नीचे से वेल्डिंग ऊपर तक जाते हैं इसी को, ये वर्टिकल हो गया वर्टिकल। और जो आपका प्लेट है ऐसे नीचे मतलब परपेंडिकुलर रखा हुआ है, लेकिन ये नीचे से ऊपर आपको जाना है, ये 3G हो गया। और जो 2G था इसमें क्या था कि आप इधर से इधर जा रहे थे और सेम मतलब वेल्ड का जो एक्सिस था आपका ऐसे था, हॉरिजॉन्टल था। अब यही एक्सिस जो है वो वर्टिकल हो गया, यानी नीचे से ऊपर आप जा रहे हैं ऐसे, तो ये हो गया आपका 3G। अब 4G क्या है, ये बिल्कुल इजी है, कोई भी बता देता है। जैसे अगर आपका प्लेट ऐसे, फोर जी मतलब ओवर हेड, यानी आपके सर का ऊपर रखा रहेगा प्लेट और आप नीचे से वेल्डिंग करेंगे नीचे से, और इसी को उलट देंगे तो 1G हो गया, यानी आप ऊपर रहेंगे और नीचे फ्लैट रहेगा प्लेट। तो अब ऊपर हो गया तो ये, यानी कि ये पोजीशन जो हो गया ये 4G हो गया, ओवरहेड हो गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि 1F, 2F, 3F और 4F क्या होता है, नीचे रखिए। अब इसके बाद आता है पोजीशन 1F, 2F, 3F और 4F। तो जी तो डोनेट करता है ग्रूव वेल्डिंग को और एफ जो है वो फिलेट वेल्डिंग को। प्लेट में जैसे चार पोजीशन जो फिलेट का होता है वो आपको बताता हूँ कि 1F जो है वो ऐसे पोजीशन में है, यानी थोड़ा सा तिरछा करके 45 डिग्री पे, और यहाँ से आप एकदम फ्लैट पोजीशन पे, तो ये हो गया 1F। और जो 2F है इसको आप छोड़ दीजिए और इस पे एकदम खड़ा 90 डिग्री पे रखिए। हाँ अब ये 90 डिग्री ये हो गया 2F। अब आप इस पे यहाँ पे जो वेल्डिंग करेंगे फिलेट वेल्ड, ये 2F पोजीशन हो गया। अब जो 3F पोजीशन है वो सेम 3G जैसा आप करते हैं वैसा रखिए इसको, ये वर्टिकल ही रहेगा। इसको खड़ा कर दीजिए खाली वो प्लेट को, हाँ, और इसको ऐसे कीजिए, इस पे खड़ा कीजिए इसको, इस पे खड़ा टी बनाइए। अब ये हो गया 3F हो गया। जैसे आप 3G कर रहे थे तो ये खड़ा था ना, ग्रूव बना हुआ था, 3F में आपके पास ग्रूव नहीं है, ये फिलेट होगा, एक दूसरे पे लैप है, तो ये जो ज्वाइंट है वो 3F हो गया। अब जो 4F होता है, 4F वो आपको ओवरहेड में ऐसा ही इसको उठा देंगे ओवरहेड में, ये जो पोजीशन है थोड़ा सा तिरछा भी कर सकते हैं, ये हो गया आपका 4F, ठीक है। तो अब बात करते हैं पाइप वेल्डिंग का। यहाँ पे आप एक ज्वाइंट देख सकते हैं, ये रहा ज्वाइंट, और इसमें जो पोजीशन होता है 1G, 2G और 5G और 6G। तो आप सोच रहे होंगे कि 3G और 4G कहाँ चला गया, तो वो भी इसमें कवर हो जाता है, इसमें भी सिर्फ चार होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 1G पोजीशन कौन सा है इस पाइप में, तो इसमें आप बताइए कि क्या है। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे वेल्डिंग करते हैं और ये जो पाइप है ना, ये पाइप रोटेट होते रहेगा और आप यहाँ पे रॉड जलाते हैं, यानी टॉप में ये आपका पाइप एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल में रखा रहेगा और वेल्डर यहाँ से वेल्डिंग करता है टॉप में, और ये पाइप रोटेट होते रहेगा, यानी वेल्डर किधर भी नहीं जाएगा, वेल्डर सिर्फ टॉप में वेल्डिंग करेगा और पाइप रोटेट होते रहेगा, तो ये 1G पोजीशन हो गया। अब जो 2G पोजीशन है उसके लिए आप पाइप को खड़ा कीजिए, ठीक है। अब आप या तो पाइप रोटेट कीजिए या आप घूम घूम करके वेल्डिंग कीजिए, ये पूरा 2G वेल्डिंग में आता है, 2G पोजीशन में आता है। हाँ ऐसे वेल्डिंग होते रहेगा, चाहे आप पाइप भी घुमा सकते हैं, या पाइप नहीं घुमाएंगे तो वेल्डर खुद घूम घूम करके वेल्डिंग करेगा, ये पूरा आपका 2G में आता है। तो ये समझने का बहुत ही आसान तरीका है, आप देख सकते हैं पाइप ऐसे खड़ा है और वेल्डिंग वेल्डर करेगा इस पूरा वेल्डिंग के एक्सिस में, तो ये 2G हो गया। अब इसमें 3G 4G नहीं होता है, सीधा आते हैं 5G पे। तो 5G के लिए आप पाइप को फिर से घुमा दीजिए,
फिर रख दीजिए, हाँ सरफेस पे रख दिए। अब इसमें ऐसे रखा हुआ है और वेल्डर पाइप अब फिक्स हो जाता है यहाँ पे 5G पोजीशन में, और वेल्डर क्या करता है कि पूरा घूम घूम करके ऊपर नीचे साइड में चारों तरफ जब वेल्डिंग मारेगा, अब जैसे पाइप इस पोजीशन में रखा गया है और जो वेल्डर रहेगा ये घूम घूम करके ऐसे वेल्डिंग करते रहेगा और पाइप यहाँ पे क्या होता है फिक्स हो जाता है, यानी जो 1G पोजीशन था उसमें ये रोटेट होते रहना चाहिए था और वेल्डिंग खाली टॉप में यहाँ पे होता था 1G में, लेकिन 5G में क्या है कि ये पाइप जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और आपको मतलब वेल्डर जो है चारों तरफ से रोटेट होके मारते रहेगा, वेल्डर खुद घूमते रहेगा। तो इसमें देखिए जो ये जो 3G है थोड़ा सा यहाँ पे 3G कवर हो जाता है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा वर्टिकल पोजीशन आ जाता है और नीचे में ओवरहेड हो जाता है। 4G से यहाँ से स्टार्ट करता है, फिर यहाँ से तो नीचे से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो जैसे ये 4G में कवर हो जाता है और आप यहाँ आते हैं तो यहाँ थोड़ा सा वर्टिकल आपको मिल गया ना, तो ये 3G में हो गया, इसीलिए पाइप में 5G में ये दोनों कवर हो गया, तो इसीलिए ये 5G पोजीशन इसमें होता है, यानी 3G और 4G नहीं होता है, इसी में 5G में कवर हो गया। तो 5G में क्या है, पाइप आपका फिक्स रहेगा और वेल्डर घूम घूम करके वेल्डिंग मारेगा, लेकिन पाइप क्या है कि आपका हरिजेंटल में ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल भी एकदम पैरेलल होना चाहिए इस सरफेस के, जमीन के। तो अब आता है लास्ट में 6G पोजीशन, जो कि सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट वेल्डर का आता है 6G। तो आपका जो ये सरफेस है इससे क्या होना चाहिए, 45 डिग्री पे ऐसे पाइप को फिक्स किया जाता है और वेल्डर को क्या करना है, वेल्डिंग स्टार्ट करना है और घूम घूम करके पूरा वेल्डिंग आपको यहाँ से और फिर इधर से स्टार्ट करके दूसरे साइड में कंप्लीट करना है पूरा वेल्डिंग। तो ये पूरा आ जाता है आपका 6G में, इसमें पाइप रोटेट वगैरह नहीं करना है, बिल्कुल भी पाइप इसमें फिक्स रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे 6G वेल्डर का इतना डिमांड क्यों है, जैसे कि आपने सुना होगा 3G वेल्डर चाहिए, ऐसा कम रिक्वायरमेंट आता है, लेकिन ज्यादातर जैसे ऑयल एंड गैस में जो काम होता है वहां पे 6G वेल्डर का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। तो पंकज भाई आप ही बता दीजिए कि 6G वेल्डर ही क्यों क्लाइंट मांगता है? इसलिए मांगता है 6G वेल्डर क्योंकि मतलब 6G वेल्डर जो 6G मार लेता है बराबर पोजीशन मार सकता है, बराबर मार लेता है। हाँ, ठीक ठीक, इसके लिए ज्यादा मांग रहता है 6G वेल्डर का। तो यानी कि 6G जो वेल्डर पास हो जाता है वो हर पोजीशन में वेल्डिंग मार सकता है, लेकिन जो 3G में पास होता है वो 6G नहीं मार सकता है, वो खाली उसका 3G 2G 3G ऐसा मार है, वो पूरा पूरा मार सकता है, इसीलिए 6G वेल्डर का डिमांड ज्यादा है। तो दोस्तों चलिए एक बार फटाफट करके प्लेट में पहले 1G 2G 3G और 4G कौन कौन सा पोजीशन होता है आप समझ लीजिए। तो फटाफट करके दिखा दीजिए कि 1G कौन सा पोजीशन है। ये हो गया आपका 1G जैसे रखा है एज इट इज, 1G हो गया। अब 2G दिखा दीजिए, ये 2G हो गया। हाँ ये हो गया 2G। अब 3G बता दीजिए, ये हो गया 3G। अब 4G बता दीजिए, ओवरहेड यानी ऊपर प्लेट हो गया, हो गया। चलिए अब पाइप लेके आइए, पाइप में 1G बता दीजिए, ऐसे पाइप रखा हुआ है 1G हो गया, ऊपर आप वेल्डिंग कर रहे हैं ऊपर रॉड और पाइप रोटेट करते रहेगा, घूमते रहेगा। अब 2G बताइए, 2G हो गया। बस अब आप चाहे घूम के वेल्डिंग कीजिए और चाहे पाइप को घुमाते रहिए यानी रोटेट करते रहिए, 2G हो गया। अब इसके बाद आता है 5G, 5G आप ऐसे रख दिए लेकिन पाइप फिक्स रहेगा इसमें, पाइप फिक्स रहेगा और आपको क्या करना है ऊपर तक घूम घूम के आपको खुद वेल्डिंग करते रहना है, पाइप फिक्स रहेगा, 5G हो गया। 6G आ जाइए आप, ये यानी इससे 45 डिग्री पे आपको फिक्स कर देना होता है, घूम घूम करके वेल्डिंग करते रहिए, ये हो गया 6G। तो चलिए उम्मीद है कि सब लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पोजीशन में बहुत कंफ्यूजन होता है। ओके, थैंक यू।